नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15,000 से लेकर 20,000 के प्राइस रेंज में जो भी फोन्स अवेलेबल है, टॉप 5 फोन्स, उनके बारे में कुछ लिस्ट मैंने फाइंड आउट की है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि 15,000 से 20,000 के प्राइस रेंज में कोई अच्छा फ़ोन हो तो बताओ, तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे तो पहला मैं आपको बताऊँगा, मुझे जो सबसे पहला इंप्रेसिव फ़ोन लगा इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आज के तारीख में, वो है वीवो का Z1X। जो ये जो फ़ोन है अभी लॉन्च होने वाला है, शायद कल उसका फ्लैश सेल है Z1X का। और ये एक्चुअली पर्टिकुलर फ़ोन 17,000 के प्राइस रेंज में कोट किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आपको 1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो 16,000 के प्राइस रेंज में आपको वीवो Z1X मिलेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है मेरे हिसाब से। इसमें आता है ट्रिपल कैमरा के साथ, आता है 4,500 mAh की बैटरी आती है, फास्ट चार्जिंग आती है 22.5 W की, जो OnePlus के डैश चार्जर से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसमें आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। तो डेफिनेटली यार, मतलब एक 16,000 के प्राइस में मुझे ये एकदम कंप्लीट पैकेज लगता है मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए। कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। सेकेंड ऑप्शन अगर मैं बोलूँगा आपको, तो उसमें आता है वीवो का Z1 Pro, जो कि उसका एक पहले वाला वर्जन है, एक महीने दो महीने पहले निकला था। ये 5000 बैटरी के साथ आता है, ट्रिपल कैमरा सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, लेकिन इसमें LCD डिस्प्ले है और फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो ये भी आपको 15,000 के प्राइस रेंज में मिल जाएगा Z1 Pro, लेकिन Z1 Pro से अच्छा मैं आपको बोलूँगा 1,000 एक्स्ट्रा डाल के आप Z1X ले सकते हो, जो कि काफ़ी एक अच्छा सुपर एमोलेड फ़ोन आपको मिलेगा डेफिनेटली। इसके अलावा Realme XT फ़ोन है, जो कि अभी लॉन्च होगा कुछ ही दिनों में, सेल में भी जाएगा। इस पर फर्स्ट ये फ़ोन है जो कि कॉड कैमरा के साथ 64 MP कैमरा के साथ आने वाला है। इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, पॉपअप डिस्प्ले शायद से रहेगा, फुल व्यू डिस्प्ले। रियलमी एक्स का ही एक अगला वर्जन है, हालांकि ये एक्चुअली फ़ोन अनबॉक्सिंग तो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप उस अनबॉक्सिंग को देख सकते हो। तो ये फ़ोन भी अभी तक प्राइस तो रिवील नहीं हुई, लेकिन 20,000 के अंदर ही लॉन्च होगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो 16,000 में आपको रियलमी एक्स मिलेगा, ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। इवन रियलमी 5 प्रो है, रियलमी 5 प्रो भी आपको 15,000 में मिलेगा, वो भी ऑप्शन अच्छा है। तो ये कुछ एक्चुअली फ़ोन्स है जो मुझे पर्सनली काफ़ी बेटर लगे हैं इन 15,000 से 20,000 के प्राइस रेंज में। लेकिन सबसे जो एक फ़ोन है जो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, वो है नोकिया का 8.1। जी हाँ, ये फ़ोन आपको आज के तारीख में 15,000 के प्राइस रेंज में मिलता है, फ्लिपकार्ट पे भी या फिर अमेज़न पे भी आप देख सकते हो, 15,000 से 16,000 के प्राइस रेंज में आपको मिलता है। और ये काफ़ी अच्छे बिल्ड क्वालिटी वाला, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फ़ोन है नोकिया का, जो कि आपको इस प्राइस रेंज में मिल रहा है और मुझे डेफिनेटली काफ़ी पसंद है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बजट बढ़ाते हो तो 21,000 में आपको रेडमी के K20 सीरीज़ मिलेगी। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी अवेलेबल है, लाइक पोको F1 है 17,000 में, लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पर्सनली मुझे पोको F1 अभी आज के तारीख में इतना पसंद नहीं है, क्योंकि उसका डिस्प्ले इतना खास नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इतनी खास नहीं है, सिर्फ स्नैपड्रैगन का 845 है, एक ही चीज़ उसमें अच्छी है। लेकिन उसी मतलब उसके अलावा आपको इन सारे फ़ोन्स में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, तो ये डेफिनेटली मैं आपको पोको F1 सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको बिग बिलियन डे पे, अभी जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आएगा, अगर उस बिग बिलियन डे में अगर आपको Zenfone 5G 20,000 के अंदर मिलता है, तो आप श्योर शॉट उसको ले सकते हो। 20,000 के अंदर मिलता है तो ही लगभग 18,000 to 19,000, वो भी 8 आपको 128 GB या फिर 8 GB वाला वेरिएंट को, जो भी कोई रहेगा वो। तो अगर वो 20,000 के नीचे मिलता है तो ही आप उसको परचेस कर लेना, काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा आपको बिग बिलियन डे सेल पे, तो आप उसको फिर आप देख सकते हो। तो ये टॉप फ़ोन है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आज के तारीख में ये मंथ में जाएगी वीवो के Z1X को, जो कि काफ़ी एक अच्छा फ़ोन आपको 16,000 के प्राइस रेंज में सभी मतलब जो भी फीचर्स चाहिए सभी फीचर्स के साथ आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।